नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद तिवारी Ex7News ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से समाचार की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए देश दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे पे गहराई से पड़ताल करते हैं। नमस्कार, कल यहां पर तोड़क कार्रवाई करते हुए सिडको ने काफ़ी कुछ नुकसान किया है और ऐसा बताया जा रहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के सिडको ने इस पूरे मार्केट को बर्बाद करके रखा है। आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के आगे अगले कोने तक सिडको ने पूरे मार्केट को तोड़ रखा है। तो आइए हम यहाँ के प्रेसिडेंट श्री रघुनाथ सिंह से बात करते हैं कि उनको किस तरीके का फील है और उनको क्या नुकसान हुआ है। कल जो सुबह के जो सिडको की कार्रवाई हुई है उसके बारे में हमें किसी भी तरह के कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, न हमें कोई लीगल नोटिस दिया गया, किसी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई। 10:30 बजे जैसे ही वो अपने वो दस्ते के साथ में ही आए हैं, जैसे ही हमें मालूम पड़ा है और सीधे ही उन्होंने तोड़ना ही चालू किया। किसी भी तरह के कोई भी रुकने के नाम ही नहीं ले रहे। जब हमने पूछा गया भाई किस चीज़ के लिए, क्या अनलीगल है, क्या है, उसका कोई नोटिस कॉपी वगैरह हमें बताइए, तो किसी तरह की कोई भी नहीं करते। वो अपने कार्रवाई शुरू किए और किस हिसाब से किए वो अब आप पूरा देख सकते हो। यहाँ पे करोड़ों रुपये की नुकसान किया है इसमें, जब छोटे बड़े सभी व्यापारी आज की तारीख में रोड पे आए हुए। यहाँ कम से कम 5,000 लेबर या इस मार्बल मार्केट के ऊपर जीवित है आज की तारीख में, वो सब रोड पे है। व्यापारी आज की तारीख में रोड पे आए, जो आज की तारीख में पूरा जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है डिजिटल इंडिया, इसी को डिजिटल इंडिया बोलते हैं, ये गवर्नमेंट की ये है। और आज नहीं, सिडको ने जब से ये मार्बल मार्केट अलाउड किया है तब से आज तक परेशानी किए हुए हैं, किसी न किसी तरह की परेशान करती हुई आई हुई है। और 1% भी यहाँ मार्बल मार्केट के सिडको की तरफ से 1% भी न तो सुविधा दी गई हमें, किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। और हमने क्या अनलीगल कर दिया सिडको का, हमारे जो सिडको ने हमें प्रॉपर्टी दी उसी में ही हम व्यवसाय कर रहे हैं, न कि हम रोड पे बैठ के व्यवसाय कर रहे हैं। हम हमारी हद में कर रहे हैं, उसके बाद में भी हमें किसी तरह की कोई भी जानकारी न देते हुए हमारा खरबों रुपये का नुकसान कर दिया। आज सभी व्यापारी रोड पे आए हुए यही, और ये टीवी के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब से मैं विनती करूँगा, ये हमारी ओर से कुछ ध्यान दिया जाए। आज व्यापारी है तो ही देश आगे बढ़ेगा, वरना आप जानते हैं कि व्यापारी ही टैक्स देते हैं और व्यापारी टैक्स से बिना गवर्नमेंट नहीं चलती है। तो अभी आप सोचिए कि इसको क्या, किस हिसाब से चलाना है। आपकी क्या मांग है और आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं केवल यही बताना चाहता हूँ, 21वीं सदी का शहर नवी मुंबई, नवी मुंबई का ये पहला ऑथोराइज मार्बल मार्केट जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ये रोड देखो आप, जो आज तक सिडको ने बनाया नहीं है, ये हम सब व्यापारियों ने मिलकर रोड बनाया। ये 21वीं सदी का शहर का मार्बल मार्केट है जिसमें सिडको की कोई आधारभूत सुविधाएं नहीं है। हमने कैसे कैसे करके अपने व्यापारी भाइयों को साथ में लेके हमने यहाँ पे रोड बनाए, हमने टॉयलेट बाथरूम बनाए, जो आगे आप देखोगे यहाँ पे कोई पब्लिक के लिए सुविधाएं नहीं है। उसके बाद में इतने व्यापारियों को हरेसमेंट किया हुआ है। आज की डेट में हम व्यापारी भाई 100% व्यापार GST भर के करते हैं, लीगल वे में करते हैं, हम कोई अनलीगल काम नहीं करते क्योंकि हम व्यापारी हैं। हम किसी भी ऑफिसर से कोई भी कभी गलत बात नहीं करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से चपरासी भी आ जावे तो हम उसको बड़ी इज्जत से बताते हैं, बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार वो सरकार का नुमाइंदा है। तो आज यदि ये हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की गई है जिसमें हमारे नहीं, वही मैं बता रहा था आपको, हमारे ऊपर ये वज्रपात किया गया है, हमारे पास कोई सूचना नहीं, हमको 6 महीने के अंदर भी किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया कि हमारे ये सेड अनलीगल है। हमको पहली बात, यदि हम आपको ये लगता है सेड अनलीगल है हमको बताओ तो सही। हमको यही पता नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। हमारे प्लॉट के ऊपर यदि दरवाजा लगा है, सिडको ने कल वो दरवाजा निकाल के तोड़ के फेंक दिया, तो एक घर के बाहर दरवाजा लगाना भी गुनाह है। हमको तो ये कल पता चला, हम व्यापारी हैं, कोई चोर उचक के नहीं है। आप हमको बताओ भाई हमारा क्या पॉइंट है, क्या लीगल, आप हमको आके बताते, हमारे पास कोई लेटर देते, ये कहते यार ये आपके छपरे अनलीगल है। हम व्यापारी है, हमको किसी से झगड़ा नहीं, किसी से बैर नहीं, हम सामने से उतार देते सर चलो हम कोई अनलीगल काम नहीं करना चाहते, हम तो व्यापार करते हैं जो लीगल तरीके से करते हैं। ये हमारे ऊपर ऐसा किया गया है कि जैसे किसी ने हमारे पे खुन्नस निकाली हुई है भाई। ये व्यापारियों, हमको ऐसा लगता है कि सिडको को जमीन वापस लेनी थी तो हमसे बोलते तो सही, हम आके केवल तोड़ फाड़ चालू कर दिया, ये JCB पोकलेन तोड़ो, सालों दरवाजे तोड़ो, ये तोड़ो, पत्रे तोड़ो, माल तोड़ो, आपने देखा लाखों का नुकसान कर दिया। जो व्यापारी आज लाखों रुपए टैक्स भर रहा है उसके साथ में आप इस तरह से व्यापार करोगे तो कहाँ व्यापारी करेंगे।
हम तो चलो ये केवल हम ये देख रहे थे भाई आप मीडिया के माध्यम से आप लोगों का भला हो, आज मीडिया वाले हैं तो देश बचा हुआ है। आप लोगों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं भाई हमारी प्रॉपर हदें क्या है, हमको कोई ये तो समझावे कि आपको यही करना है, हमारी लिमिटेशन क्या, पहले ये बताना चाहिए हमको, उसके बाद में हम यदि कोई भी काम नहीं करते, हमको एक 6 महीने का नोटिस, 3 महीने का नोटिस, 1 महीने का नोटिस दे के करते, एटलीस्ट कुछ तो नोटिस दे के हमारे ऊपर करो आप, उसके बाद में हमको लगे ये तो हमारे पे अत्याचार है। तो आप इस जो आपका नुकसान हुआ, आपके बाकी व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है, क्या आप इसकी डिफॉर्मेशन की या आप इसकी कंपनसेशन क्या करें, कोई लाख मतलब ये तो इतना नुकसान है जो करोड़ों में है, कोई हिसाब किताब कैसे जोड़े, लाखों का नुकसान नहीं है, करोड़ों का नुकसान है, किसी हमारे 2-4 लेबर के लग गई, ये जो क्रेन से जब जेसीबी तोड़ते हुए पत्रे गिर गए बेचारे, कहीं उनके किसी के हाथ में लग गई, किसी के पैर में लग गई, अब कितनी यदि कोई जनहानि हो जाती, ये तो समझो हमारे लोगों की तकदीर तेज है, कोई हुआ नहीं, कोई जनहानि हो जाती, 1-2 आदमी मर जाते, तो आदमी की जान की कीमत का कोई आंकलन नहीं हो पाता है, कैसे मैं बताऊँ आपको लाखों का हुआ करोड़ों का हुआ, ये नुकसान का हिसाब लगाने में हमको कम से कम 10 दिन लगेंगे। आप महाराष्ट्र सरकार से, खासतौर से देवेंद्र फडणवीस सरकार से आपकी क्या मांग है? सर हम इतने छोटे व्यापारी है, सरकार तक नहीं जावे, हम तो सिडको से ही है, पहले हमारी एक भूमिका रहेगी भाई, हमको सिडको से पिक्चर क्लियर हो जाते, कभी पीएमसी के लोग आके बोलते भाई ये एरिया हमारे में आता है, आप बाहर कुछ नहीं रखोगे, हम एक व्यापारी आज की डेट में हर तरह से परेशान है, कभी पीएमसी वाले तंग करते हैं, कभी सिडको वाले तंग करते हैं, कभी सेल टैक्स वाले आ जाएंगे, अभी जीएसटी वाले आ जाएंगे, ये आज के समय में व्यापारियों के लिए सबसे बुरी तकलीफ है, व्यापार करना एक मुश्किल वाला काम हो गया, अभी आप लोग केवल हमारी थोड़ी मदद करो, आप ये दिखाओ कि एक व्यापारी आखिर में जाए तो जाए कहाँ, बिल्कुल, तो इसका मूल्यांकन कैसे करें क्या नहीं करें, अभी आप इसकी कोशिश करो, और जो मार्केट हमने सपना चुना भाई, भविष्य का मार्बल मार्केट, जिसमें आप ये कर रहे हो, इससे ज़्यादा हद क्या हो सकती, जहाँ आपने कोई सुविधा नहीं दी, हमारे पास कोई रोड नहीं, हमने बड़ी मुश्किल से इतना लड़ झगड़ के करके सामने से रोड बनवाए, उसके बाद आप ये अंदर की हालत देखो, इतनी स्थिति खराब है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने मेरे को समय दिया, मेरी भावनाएं समझी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? लुम्बाराम चौधरी। अच्छा आप क्या चाहते हैं सिडको के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण गगरानी से आपकी क्या डिमांड है, आपको क्या लगता है कि जो हुआ है यह लीगल है? लीगल नहीं, अलीगल है, और बहुत नुकसान किया है, मेरा ये गोडन आप सामने से देखिए, बिना जबकि मेरा सेट वगैरह भी नहीं बना हुआ था, उसके बावजूद भी पड़ोसी का सेट तोड़ने के चक्कर में मेरा 8 लाख रुपए का माल की 2-3 थप्पी गिरा दी, अब इसका नुकसान की भरपाई कौन देगा, अब ये मेरे दिमाग के बाहर की बात हो गई है, तो मेरा तो सिडको वालों से यही गुजारिश है कि मेरा जो ये नुकसान किया है जो सामने ही पड़ा है आप देख लीजिए, तो उसका भुगतान मुझे करावे तो बेस्ट है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी ओपन ही था, तो फिर कौन सी बेस पे दूसरे पड़ोसी के कारण मेरा नुकसान कैसे कर दिया, तो वो सिडको वालों से गुजारिश है कि मेरे को मेरा इसका जो भी है वो रिफंड दिलाया जाए, बस इसने गुजारिश। यहाँ के सेक्रेटरी से हम बात करते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं कि उनको सिडको से या सरकार से क्या शिकायत है और वो क्या चाहते हैं। शिकायत क्या है वही हमें मालूम नहीं है अभी तक तो। आपकी क्या शिकायत है? हमारी शिकायत तो हमारे जो नुकसान हुआ है उसका हमारे को कोई नोटिस दिया गया नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं है किस बारे में छोड़ा गया, कोई लीगल नोटिस या उनके पास में कोई एविडेंस नहीं है हमारे लिए कि कोई नोटिस हमने जारी किया है मारोल मार्केट के लिए। 3 दिन 4 दिन 24 घंटे पहले तो कम से कम हमको अल्टीमेट किया होता है कि भाई हम आने वाले हैं, आपका लीगल नहीं है, कुछ भी राइटिंग में उनके पास कोई भी एविडेंस है नहीं। तो आपको कोई नोटिस नहीं दी गई? बिल्कुल नहीं दिया गया। आपका नाम? अगर मेरा नाम हिम्मत सिंह चौहान है, अपोलो डिजाइनर टाइल करके हमारी शॉप है, प्लॉट नंबर 45-46, एक लीगल नोटिस भी उन्होंने दिया नहीं है, यही ऐतराज है सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति कि भाई कुछ तो बताया होता, बोले हम देखे गए, किसको देखे गए, प्रूफ करके दिखाए, कलेक्टर साहब को निवेदन है वो प्रूफ करके दिखाए, और जो भी बड़े बड़े ऑफिसर आए थे हमको तो मालूम ही नहीं ऑफिसर कौन है। ये कार्रवाई सिडको की तरफ से हुई है? ये कार्रवाई सिडको की तरफ से हुई है, उसके साथ में और कौन कौन से ऑफिसर और साथ में थे, हमने उनको पूछा आपके पास कुछ लीगली है, आपको आदेश है हमको दिखाओ, तो हमको बोला साइड में खड़े हो जाओ, व्यापारी है, मारवाड़ी और गुजराती कम्युनिटी है, डरती वैसे ही है, वैसे ही डंडा दिखाओ तो डरती है कम्युनिटी, बेचारे पीछे हो गए, 2 डंडा मारा हम लोग पीछे चले गए। अच्छा पुलिस भी खुल्ला गुंडागर्दी चल रहा है, खुली गुंडागर्दी, किसी बड़े एमएलए को फोन करो, एमपी को फोन करो, कोई सुनवाई नहीं, बाकी सबको टाइम पे चाहिए, वोट सबको टाइम पे चाहिए, लेकिन कल की सिचुएशन पे 450 आदमी इधर रोड पे घूम रहे थे, 5000 लेबर इस मार्केट में, मोदी जी बोलते रोजगार देंगे, ये रोजगार मिल रहा है हमारे को, ये कौन सा पनिशमेंट मिल रहा है हमारे को,
मोदी जी को वोट दिया वो पनिशमेंट है या कांग्रेस? नहीं यार, ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई वहां रखो ना यार। व्यापारी जीएसटी पेड करता है, इनकम टैक्स पेड करता है, हर चीज टैक्स पे कर रहा है, उसके बावजूद हमारी ये हालत है। हमारी लेबर की हालत देखो आप, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए कमाने वाले लोग हैं, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, इनके कैसे चलाएंगे घर? कोई सिडको के साहब चलाने वाले, मोदी जी चलाने वाले? हद हो गई। स्वतंत्र भारत में खड़े हैं कि कहाँ खड़े हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। इनकी बहुत सारी शिकायत है, हम आगे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हर्षद शाह जी। एक्चुअली ऐसा है कि ये जो मार्बल मार्केट है वो नवी मुंबई का नाक बोला जाता है, नवी मुंबई का बच्चा है। अगर इसमें कोई गलती होगी भी, ऐसा नहीं बोलते कि सब दूध के दूल्हे, कोई गलती होगी भी तो इसको सुधारने का जो तरीका था वो ये था। ये ऐसा नहीं लगता है एक्चुअली को, अगर इसको शेड अनऑथराइज था तो आज ये जब इन्होंने जब ये बनाया उस टाइम की रिक्वायरमेंट और आज की रिक्वायरमेंट ये दोनों अलग अलग है। तो आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा शेड चाहिए या जो भी कुछ चीज़ चाहिए होती है, अगर उसको कानूनी तौर पे कर देते या उसको नोटिस दिला के उसको वो उसका जो भी जुर्माना होता है, हरजाना होता है, जो भी चार्जेस होते हैं वो लगा के करते, इतना बड़ा नुकसान करके मुझे लगता है कि एक्चुअली फिर ये नाक नहीं रही, इसको एक तो बदसूरत बना दिया हम लोगों ने। हम उन्हीं के बच्चे थे, नवी मुंबई महानगर पालिका सिडको के ही थे, तो हमको तो इन्होंने तो एक्चुअली, और आज ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मार्केट है, तो इसको प्रोत्साहन देना चाहिए था, इसको समझाना चाहिए था। सर मेरा नाम अनुज मानदेनी है। अनुज मानदेनी है। आपको क्या, आपका शॉप नंबर क्या है? शॉप नंबर 20 मिरेकल मार्बल है मेरी दुकान का नाम। दिक्कत यही है कि हमने ये मार्केट काफ़ी सालों से मेहनत से, 20 साल 22 साल लग गए लोगों को यहाँ पे काम करते हुए, काफ़ी पुराने लोग हैं, और इतने सालों से काम करते करते आज इस मार्केट को ये जो भी आप देख रहे हो ये बनाते बनाते काफ़ी मेहनत लग गई है। तो गवर्नमेंट का हमको सपोर्ट इतने साल मिला, यही सपोर्ट हम आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने ये सोचा नहीं था कि सरकार के आदमी बीच। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जो आप देख रहे हो वैसा ही नुकसान हमारा भी हुआ। आपका नाम क्या है और आपका शॉप नंबर? मेरा नाम सावला राम चौधरी है, प्लॉट नंबर 10 है, भवानी ग्रेनाइट। कल बिगर नोटिस जो अतिक्रमण वाले आके तोड़ के गए, तो बहुत ही भारी, सबको व्यापारियों को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है, और बहुत ही खराब काम किया है सिडको वाले ने, जो भी किया है वो बिगर नोटिस के दिया। वो तुमको 10 साल पहले नोटिस दिया था, हाँ किसी मुँह से सुना 10 साल पहले। सर जी मैं थोड़ा सा यहाँ पे, मेरा नाम सतीश गर्ग है। आज सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे की बात थी, मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था, मेरे स्टाफ का फ़ोन आया कि यहाँ सिडको वाले आए। मेरे ख्याल से लेके केंद्र सरकार छोटे व्यापारियों को बढ़ाने के लिए, उनको सफल बनाने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं लेके आती हैं, उसी तरफ सिडको जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो नई मुंबई को डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए नियुक्त किया गया है, वो ऐसे व्यापारियों पे बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पूर्व नोटिस के आकर के थोड़ा कार्रवाई करती है, जिससे छोटे छोटे व्यापारियों की कमर टूट गई है। तो आप देख रहे हैं मार्केट में पूरा रोष व्याप्त है, यहाँ के सारे व्यापारियों के चेहरे पे आप देख सकते हैं कि तकलीफ है, और ये अपनी बातें सरकार तक, सिडको तक, सिडको के उन तमाम अधिकारियों तक पहुँचाना चाहते हैं इस टीवी के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो आवाज़ उनके पास तक नहीं पहुंच रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सरकार तक पहुंचाई जाए और सिडको की अथॉरिटी तक पहुंचाई जाए। मैं ब्रह्मानंद तिवारी, शशि भाडौर के साथ, थैंक यू वेरी मच।